हैं। एक जो अफगानिस्तान और हमारे ताल्लुकात इस वक्त कशीदा होने जा रहे हैं, जो हमने इस वक्त पॉलिसी इख्तियार की कि 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ हमारे यहाँ मौजूद थे और हमने एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से ऑर्डर कर दिया कि इनको बाहर निकाल दिया जाए। वो 40 साल से इस मुल्क में मौजूद है। ये कोई वोटों की तकसीम की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, हिजरत का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लामी कवानीन में मौजूद है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उससे पहले बहुत सारे पैगंबरों ने हिजरत की। लोग हिजरत करके आते हैं, आबाद होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स की हम वायलेशन कर रहे हैं। जिस तरह से हम भेड़ बकरियों की तरह इन्हें ट्रीट करते हुए इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात कशीदा होते जा रहे हैं। तो इस पर हमें फौरी रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि कल को ये ना हो कि ये मसला बहुत बड़ा कशीदगी इख्तियार कर जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने ये आज नहीं बात करा, मैंने इस पर पहले भी बात की है, और ये मैं बंगालियों के हकूक़ के लिए भी बात करता रहा हूँ। जिस तरह 5 लाख बिहारी पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज तक उनका स्टेटस डिटर्मिन नहीं हो सका। देखिए, ये ह्यूमन राइट्स, बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। हमें इस चीज़ को देखना है। हमने उनके स्टेटस का अकॉर्डिंग टू हमारे पाकिस्तानी कवानीन डिटर्मिन करना है, ताकि ये लोग इस तरह से ब्लैकमेल ना हो और उनके साथ इस तरह का इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना हो। सेकेंडली, उन्होंने नवाज़ शरीफ की स्टेटमेंट को रिबट किया, जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हम ताल्लुकात का नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की कभी भी कॉस्ट उसकी कश्मीर कॉज की एक्सपेंस पे नहीं होगा। देखिए, कश्मीर की कॉज सबसे अहम है। कश्मीरी भाइयों का जब तक फैसला एज़ पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस नहीं होगा, पब्लिसाइड के ज़रिए उन्हें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं दिया जाएगा, हम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, नवाज शरीफ की घबराहट क्या है? देखिए, इंडो इसराइली लॉबी का प्रेशर है। इंडो इसराइली लॉबी नहीं चाहती कि हम उस तरह से इंडिया के साथ ताल्लुकात बिगाड़ें, मगर देखें, हम कश्मीर को सेक्रीफाइस इनकी खुशियों के लिए नहीं कर सकते। और खान साहब ने कहा कि जब हमारी हुकूमत निकाली गई, सबसे ज़्यादा खुशियां 2 जगह पे मनाई गई, एक इंडिया में और दूसरा इजराइल में, और इससे पता चल जाना चाहिए कि इन सारों का नेक्सस क्या है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। आज मैं एक सेकंड, मैं एक चीज़ ज़रा, आज इधर सेंटर में आ जाए।